हमारा अंतरिक्ष शांत लेकिन काफी दूर तक फैला है, जहां दूरी हमारी समझ से परे है और चारों तरफ छाया है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन इसी के बीच एक हल्का इशारा हमें मिलता है, एक ऐसे खोए हुए कॉस्मिक ट्रैवलर का जो वापस लौट रहा है। महीनों से कई अनुमान यानी पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाने के बाद नासा के वॉयेजर 1 ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके बाद ब्रह्मांड के सबसे दूर के इलाके जिससे हमारा कनेक्शन टूट गया था वो एक बार फिर जुड़ रहा है। जी हाँ, वॉयेजर 1 फिर से सिग्नल्स भेज रहा है, जिसे एक बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट माना जा सकता है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, 4 दशक पहले लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 अपने साथ सिर्फ क्यूरियोसिटी और इंजीनियरिंग के चमत्कारों को लेकर सफर पर निकला था। जैसे वर्षिफन हमारी धरती से दूर आगे बढ़ता गया, ये नए नए खोज करने के अपने सफर पर निकल पड़ा और अपने रास्ते में ये सौर मंडल के ऐसे ऐसे रहस्यों का खुलासा करता रहा जो मील का पत्थर साबित हुए। जुपिटर के चंद्रमा आयो पर वॉल्केनोस की सांस रोक देने वाले इमेजेस से लेकर जुपिटर के धुंधले मंत्रमुग्ध कर देने वाली रिंग्स के खुलासे और शनि यानी सैटर्न के आकर्षक चंद्रमा टाइटन के एटमॉस्फेयर की स्टडी तक वॉयेजर 1 ने हमारे सामने एक के बाद एक कई खुलासे किए, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन वॉयेजर 1 का सफर यहीं पर नहीं रुका। 2012 में इसने इंटरस्टेलर स्पेस की दहलीज को पार किया और सितारों के लिए मानवता का पहला दूत बन गया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्पेस क्राफ्ट्स में से एक है। लेकिन 14 नवंबर 2023 को नासा के कंट्रोल रूम्स में दिक्कत आने शुरू हो गई, जब वॉयेजर 1 की तरफ से ऐसे सिग्नल्स मिलने लगे जो समझ के बाहर थे। वॉयेजर 1 के गड़बड़ी वाले ट्रांसमिशन का पता चलते ही अटकलों का बाजार गर्म हुआ, जिसने नासा के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया, जिसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने उन इंजीनियर्स द्वारा लिखे गए दशकों पुराने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना शुरू किया, जो इस बात से अनजान थे कि 46 साल बाद उनके द्वारा बनाई गई चीज इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी। इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों को खुद के द्वारा भेजे गए कमांड्स के नतीजों का ध्यान से पहले ही अंदाजा लगाना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉयेजर 1 तक भेजा गया कोई भी कमांड उस तक 22.5 घंटे में पहुंचता है और अभी वॉयेजर 1 मई 2024 तक पृथ्वी से 15 अरब मील की दूरी पर घूम रहा है, यानी वैज्ञानिकों को 45 घंटों के इंतजार के बाद ही पता चलता है कि उनके कमांड का नतीजा क्या होगा। वॉयेजर 1 में आई गड़बड़ी के पीछे का राज जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स महीनों तक कड़ी मेहनत करते दिखे और फाइनली इन सब के पीछे छिपे राज का पता उन्होंने लगा लिया, जो था स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 3 कंप्यूटर्स में से एक फ्लाइट डेटा सब सिस्टम, जिसे FDS कहा जाता है, जो पृथ्वी पर भेजे जाने से पहले इंजीनियरिंग और विज्ञान डेटा की पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस साल मार्च के महीने में वैज्ञानिकों को और सफलता मिली। इनमें से एक वैज्ञानिक ऐसा था जो वॉयेजर 1 द्वारा भेजे गए सिग्नल्स, जिसे समझना मुश्किल था, उसमें से कुछ को वो समझ रहा था और जो डेटा को डीकोड कर पा रहा था। इसके बाद टीम ने डेटा को एनालाइज करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि FDS पर एक चिप ने काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने गड़बड़ी को दूर करने के लिए भेजे जाने वाले कमांड्स के सीक्वेंस की सावधानी से रणनीति बनाई और फिर 18 अप्रैल को उन्होंने एक कमांड भेजा। उन्हें लगा कि इससे शायद जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद 20 अप्रैल 2024 को वॉयेजर 1 से एक सिग्नल मिला। ये अंतरिक्ष की विशालता के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी थी। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है
उसमें नासा ने कहा कि वॉयेजर 1 पाँच महीनों में पहली बार फिर से काम के इंजीनियरिंग डेटा को भेजना शुरू कर दिया है। फिलहाल वॉयेजर 1 उस पर लगे इंजीनियरिंग सिस्टम के हेल्थ और स्टेटस के डेटा को भेजने का काम कर रहा है, लेकिन इस बड़ी सफलता ने दोबारा उम्मीद जगा दी है। और अब वैज्ञानिकों का मकसद है इसके साइंस डेटा को फिर से रिवाइव यानी जिंदा करना। वॉयेजर 1 से सिग्नल्स का फिर से मिलना ना सिर्फ हमारे लिए टेक्निकल जीत है, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे दूर की जगह से हमारे कनेक्शन को और मजबूती से दिखाने का काम करता है। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अकेले ही अपने सफर को जारी रखे हुए है, जो अपने साथ पूरी मानवता की आशाओं और सपनों को लेकर चल रहा है। तो चलिए हम भी तैयार रहे इसके द्वारा आगे होने वाले और खुलासों को देखने और जानने के लिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।